हाय वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो अगर आपने न्यू टैटू बनवाया है और अगर आपको उसकी केयर करना ही नहीं आता है तो आपको कितना भी अच्छा टैटू होगा ना भाई, तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर ही। तो आप न्यू टैटू की केयर कैसे करेंगे, आपको नहीं पता तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक बताया कि अगर आपने न्यू टैटू बनवाया है तो उसकी केयर आप कैसे करेंगे। फोर स्टेप में मैंने आपको बताया कि अगर आपने न्यू टैटू बनवाया है तो उसकी केयर कैसे करेंगे ताकि जो आपका जो टैटू है वो प्रॉपर एक अच्छा रूप ले सके, जो कि कई लोगों के बीच में एक अट्रैक्टिव फील करा सके आपको, जो बहुत अच्छा देखने में लगे। इसलिए टैटू को एक अच्छी केयर देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बस इतना ही नहीं होता है कि आपने टैटू जाके प्रोफेशनल आर्टिस्ट पर टैटू बनवा लिया और वहाँ से काम आपका ख़त्म। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टैटू बनवाने के बाद ही उसका जो मेन प्रोसेस है चालू होता है, उसकी आपको केयर करना ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मात्र बस 15 दिनों के अंदर अंदर आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं जिसके कारण से आपका टैटू बिल्कुल एक अच्छा रूप ले पाता है। अगर आपने बाय चांस उन 4 स्टेप में से किसी भी एक स्टेप को फॉलो नहीं करते हो ना भाई, एक थोड़ी सी भी लापरवाही देते हो तो आपका टैटू पे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ठंडी के सीजन में, तो चलो मानते हैं कि ठंडी के सीजन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन अभी चल रहा है समर, गर्मी की सीजन ऐसी होती है कि आपके टैटू पे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उस खतरे से आप कैसे बचेंगे, इसलिए अब 4 स्टेप में आपको ध्यान से फॉलो करना होगा। मैंने आपको बहुत ज्यादा बारीकी से इस चीज को समझ के, बहुत ज्यादा लोगों का कमेंट पढ़ के मैंने आपको ये वीडियो दिया है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपका टैटू भाई 100% एक सही रूप लेके निखरेगा ही निखरेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से भाई की आपकी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार इस भाई को देख रहे हो, तो चैनल का जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन करके अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि भाई आपके लोग के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट देन वीडियो। चलो फाइनली गाइस, पहला स्टेप आता है हमारा फूड। फूड को बहुत ज्यादा, अगर आप जिस तरह का फूड सेवन करेंगे उसी तरह के आपको टैटू का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि जंक फूड, ऑयली फूड और नॉनवेज, इन तीनों फूडों में से आपको बिल्कुल भी किसी भी तीन फूड में से किसी भी 15 दिनों की तक आपको कोई भी एक फूड का सेवन नहीं करना होगा भाई। अगर आपने ज्यादा जंक फूड का सेवन कर लिया, ऑयली फूड का सेवन कर लिया और बाई चांस भाई आपने अगर आप नॉन वेज का सेवन कर लिया ना 15 दिनों के अंदर, अगर आपने न्यू टैटू बनवाया है, तो भाई आपके टैटू पे बहुत ज्यादा बुरा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन स्वरूप कैसे देखने को मिलेगा, बहुत लोग पूछते हैं मुझे कमेंट में कि भाई मुझे टैटू बनवाया है मैंने, लेकिन उसके आसपास के एरिया में घमौरियां से आ रही हैं। भाई वो इन्हीं कारणों के वजह से आती है, आपको गलत सेवन कर लेते हो जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए आप इन सब फूडों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। अगर आप अपने टैटू को एक अच्छा टैटू बनाना चाहते हैं तो 15 दिनों तक आप इन सब फूड का बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। एंड सेकेंड हमारा आता है भाई प्रोटेक्ट टू सन। अब भाई आप लोग सोचेंगे कि भाई सूर्य से हमें हमारे टैटू को क्या इन्फेक्शन होता है, क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। भाई मैं अब आपको यही बताना चाहता हूँ। अगर आपने कहीं, जैसे कि मान लीजिए मैंने हाथों पे टैटू बनवाया है, हाथों पे टैटू बनवाने के बाद में अगर मैं कैसे भी, जैसे कि सनरे हमारे टैटू पर सीधा पड़ता है, उसकी जो किरणें होती है सूर्य की सीधे हमारे टैटू पर पड़ती है, तो भाई वहाँ से हमारे टैटू पर नमी पैदा होती है। नमी पैदा होने की वजह से हमारे टैटू पर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया बैठते हैं और हवा लगने की वजह से हमारे टैटू पे पूरा एक बुरा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप आपका टैटू वहाँ पक भी सकता है, और इसलिए आपको भाई कहीं भी आप बाहर निकलते हो तो हल्का सा जो साफ सुथरा कपड़ा हो उसे आपको कवर करके निकलना होगा। अगर आप कहीं भी सूर्य में निकल रहे हैं जहाँ लगे कि हाँ भाई मेरे टैटू पे सनरे पड़ेगी, इसलिए आपको वहाँ हल्का सा एक साफ सुथरा कपड़े से उसे कवर करके निकलिए अपने टैटू को। इस खास करके भाई ये हुए दो स्टेप, ये मत समझना भाई, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। एंड देन दोस्तों तीसरा स्टेप आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने वो स्टेप उठा लिया, क्योंकि भाई अधिकतर 99% लोग जो टैटू बनवाते हैं वो अधिकतर लोग ये स्टेप उठा ही लेता है। कौन सा स्टेप है, मेडिसिन। अब कैसे, देखो ये दोस्तों, अगर आपके टैटू पे इन्फेक्शन हो जाता है, घमौरियाँ पड़ जाती है, पक जाता है या कुछ भी हो जाता है ना भाई, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत मेडिसिन का सहारा लेने लगते हैं। नहीं, आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा, क्योंकि आप लोग को फर्स्ट डे से ही अपने टैटू को लेकर प्रिकॉशन करने होंगे ताकि आपके टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को ना मिले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आपके टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ज़्यादातर अच्छे से अच्छा प्रिकॉशन करें अपने टैटू को लेकर। क्योंकि जेन्युइन सी बात है, आप अपने डॉक्टर के पास में जाओगे
या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट करवाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर यही कहेगा कि वहाँ से आपके टैटू को रिमूव करवा लीजिए। भाई मेरी नज़र में और जहाँ तक आप भी इस बात को समझ रहे हो तो आप भी समझ सकते हो कि ये कोई टैटू रिमूव कराना कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने टैटू के लिए अच्छे से अच्छा प्रिकॉशन करें ताकि उस पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को ना मिले। इसलिए भाई मेडिसिन का सहारा आप बिल्कुल भी ना लीजिए अपने टैटू के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, अच्छे से अच्छे प्रिकॉशन का यूज़ कीजिए। अब आता है फोर्थ स्टेप है पानी पीने दीजिए और पीजिए। ये भाई कहावत तो सुनी होगी लेकिन आपको ये कहावत हमारे टैटू पर भी लागू होती है। कैसे? अगर आप दोस्तों देखिए टैटू को एक अच्छा टैटू देना चाहते हैं अपने टैटू को 15 दिनों के लिए, तो आपको डेली 5 से 7 लीटर पानी आप डेली उसे पीना होगा। आप 5 से 7 लीटर डेली पानी पीते हो तो आपके टैटू में नमी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं रहेगी, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को जब मिलेगा ही नहीं तो आपका टैटू एक अच्छा रूप लेके निकलेगा। भाई आप कहीं भी निकलोगे तो आपका टैटू सबसे अलग दिखेगा अगर आप अपने प्रिकॉशन करते हो अपने टैटू को लेके। इसलिए 5 से 7 लीटर पानी पीजिए। भाई मैंने कुछ ज़्यादा 5 से 7 लीटर पानी ज़्यादा नहीं बता दिया क्योंकि गर्मी की सीज़न चल रही है तो हर एक इंसान इतना पानी तो पी ही लेता है। अपने टैटू को अगर आप अच्छा रूप देना चाहते हो तो भाई इतना तो करना ही होगा। अब आते हैं भाई आप पीने दीजिए और पीजिए, इसका मतलब यह है अब ये ना कीजिए कि आप कहीं भी जाते हो तो इस बात का आप खास करके ध्यान रखिए कि आपके टैटू पे पानी ना पड़े। नहाते वक्त या कुछ भी हाथ पैर आप धोते हो तो याद रखिए हैंड वॉश करते वक्त भी अपने टैटू को बिल्कुल भी उस जगह से पानी का बिल्कुल भी अप्लाई ना होने दीजिए। अगर आपका पानी की बूंदें थोड़ी भी वहाँ पड़ती हैं तो वहाँ की स्किन हमारी क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है 15 दिनों के लिए। तो वहाँ पानी सीधे हमारे स्किन के अंदर एंटर करता है और वहाँ से हमारे टैटू को पकने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए खास करके पानी की समस्या है भाई, इसलिए पीजिए पानी 5 से 7 लीटर, लेकिन अपने टैटू को भी पानी से बचाइए। ये हो गए दोस्तों फोर स्टेप। जिन लोगों ने अच्छी तरह से प्रिकॉशन करके 15 दिनों तक फॉलो किए ना भाई, तो भाई आपका इस भाई का दावा है 100% आपके टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपना टैटू अच्छी तरह से बनवाना चाहते हो तो भाई 4 स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ये भाई इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा और भी आगे बेनिफिट देखने को मिलेगा 4 स्टेप अगर आपने फॉलो किए तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी? वीडियो की जानकारी आपको अच्छी ही लगी होगी। भाई अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का आइकन दिख रहा है उसे भी ऑल नोटिफिकेशन करके अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। भाई आपको टैटू रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। चैनल का बस एक रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।